तिल की अच्छी पैदावार के लिए छतराई एक इंतहाई अहम मरहला है, यानी इजाफी पौधों को निकालना। अगर आपने ड्रिल से काश्त की है तो सिर्फ कमजोर पौधे निकाल दें, और अगर आपने छट्टा लगाकर खेलियां बनाई हैं तो 4 से 5 इंच पौधे से पौधे का फासला रखें और बाकी इजाफी पौधे निकाल दें, ताकि जो आपके प्लांट पॉपुलेशन है वो पूरी हो और पौधे अच्छी प्रोडक्शन दें। आइए देखते हैं कि छिद्राई का असल तरीका क्या है। बजाई के तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के बाद तिली का उगाव मुकम्मल हो जाए और पौधों की लंबाई 4 से 5 इंच हो जाए तो ड्रिल काश्ता तिल की सूरत में सिर्फ कमजोर पौधों को जमीन से निकालें, जबकि छट्टे की सूरत में पौधों का दरमियानी फासला 5 से 6 इंच पूरा करने के बाद इजाफी पौधे निकाल दें। तिल की फसल ज्यादा पानी पसंद नहीं करती। बजाई से कटाई तक टोटल 3 से 4 पानी दरकार होते हैं। इसके अलावा तिल की फसल में से वीड्स मैनेजमेंट यानी जड़ी बूटियों का खात्मा भी इंतहाई जरूरी होता है। जड़ी बूटियों का खात्मा पानी के साथ लिंक है। पहला पानी तिल काश्त के 15 से 20 दिन बाद लगाना चाहिए। अगर बारिशें ना हो तो दूसरा पानी काश्त के तकरीबन 1 माह बाद लगना चाहिए। तीसरा पानी डोडियां बनने पर और चौथा पानी फूल बनने पर लगाना चाहिए। ख्याल रहे कि आबपाशी का इन्हिसार जमीन की किस्म और मौसमी हालात पर होता है।